ओके सो गैस चलो चलते हैं, देखते हैं। गैस फिलहाल के टाइम में हम लोग हैं नौसड़, और यहाँ से हम लोग बनारस की न्यू हाईवे को कवर करेंगे, जो कि नौसड़ से बूढ़ीराम तक के लेन को हम लोग कवर करेंगे। और ये आप लोग जो देख रहे हो, यहाँ का दोनों साइड का वर्क कंप्लीट है, जस्ट बिकॉज ये काफ़ी पहले ही बना दिया गया था। और अभी हम लोग आगे जाएंगे, बनारस न्यू हाईवे की बात करेंगे, क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेवल भी इस पर करते हैं। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कहाँ पे कितना लेन कंप्लीट है, कहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। से थोड़ी हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं और जल्द से जल्द चलते हैं, क्योंकि मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चौड़ा लेन को बनाया जा रहा है। मुझे तो लगता है इन फ्यूचर ये लोग लैंडिंग नहीं कराएंगे यहाँ पे इन इमरजेंसी। तो चलो चलते हैं आगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी का भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आप जो देख रहे हो ग्रीन ग्रीन, ये सारा बांध का एरिया है और इसे काट के निकाला जा रहा है, और जो मिट्टी है उसको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डाली जा रही है। तो आगे चल के मैं आपको ये सारी चीज़ें भी दिखा दूँगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे कौड़ी राम तक का। सो चलो चलते हैं देखते हैं। यहाँ से ये जो ब्रिज है, यहाँ से आप लोग लेफ्ट लोगे तो आप लोग चले जाओगे कुशीनगर, अगर राइट लेते हो तो आपको ये लखनऊ हाईवे से कनेक्ट कर देगी, और इसके बाद आप लोगों को ये दिख जाएगा कि वो कितना अंडर कंस्ट्रक्शन है कितना नहीं। सो चलो चलते हैं देखते हैं। यहाँ से आपको पूरी लेन ख़राब मिलेगी, क्योंकि अभी के टाइम में कहीं कहीं पे कंप्लीट है, कहीं कहीं पे नहीं, बीच बीच में बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, तो थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन का दिक्कत होगा, तो उसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी, आप लोग माफ़ करना। और गैस आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करके जाना। गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा, यही सब मैं बोल रहा था, आप देखो यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस कितना ज़्यादा, आप खुद ही डिसाइड करो, देखो आप खुद ही कितना चौड़ा। और गाइस स्टेबलाइजेशन का थोड़ा दिक्कत होगा, वीडियो उसको स्किप करिएगा प्लीज़। तो गाइस ये सब देख रहे हो आप लोग, अभी तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बट अभी आप देखो कितना ज़्यादा चौड़ा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है। वाह थोड़े दौड़ा, ये दौड़ाने का एक अलग ही मज़े होते हैं। आप लोगों को अगर आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे तो नहीं आती। और ये जो आप देख रहे हो ये सरफेस जो प्लेन है, इसको काफ़ी पहले ही इस सरफेस को प्लेन करके मिट्टी डाल दी गई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे धूल इकट्ठा हो गई है, और आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा, मैंने सोचा इसके लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और हाँ गाइस आपको इस लेन पे काफ़ी सारे डाइवर्जन मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वही फंडा यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे इनको जगह मिल रहा है वहाँ का कंप्लीट कर दे रहे हैं, और जहाँ पे इनको जगह नहीं मिल रहा है उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दे रहे हैं। इस लेन का काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि कुछ टाइम में ही इसको बहुत ज़्यादा बना दिया गया, और ये आई थिंक बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि कितना कंप्लीट हुआ कितना नहीं। काफ़ी सारे घरों को तोड़ भी दिया गया है और न्यू हाईवे बना भी दिया गया है, और वो सरफेस कितनी स्मूथ चलती है वहाँ पे बाइक, वो तो आपको आइडिया ही होगा, क्योंकि अगर आप गोरखपुर से हो तो आपको एक आइडिया लग गया होगा, क्योंकि सारी की सारी RCC लेन बनाई जा रही है। वो जो ब्रिज आपने पीछे देखा वहीं तक का ये तारकोल का सिस्टम था, बाकी इधर पूरा RCC का बनाया जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं देखते हैं। और हाँ गाइस आप लोग पिछली वाली ब्लॉग पे जो कि गोरखपुर की न्यू हाईवे थी उस पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया था, लोग इस पर भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाना। और ये देखो आप लोग इसे, इस लेन को, ये जो पुराना लेन था इसको JCB से निकाल दिया गया, तो इस पर भी वीडियो थोड़ा अप डाउन होंगी, तो उसके लिए अगेन सॉरी। और ये आप देख रहे हो इस पर एक अभी एक सरफेस बनाया जा रहा है, इसके ऊपर एक कच्ची लेयर बनाई जाएगी, जिसके ऊपर से वो RCC का या की जाएगी लेन बनाने के लिए, तो काफ़ी मजबूत होने वाला है। सेम फंडा जो BRD का न्यू हाईवे है, BRD मेडिकल कॉलेज का, वैसे इसको भी बनाया जा रहा है, इन फ्यूचर ये भी लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है, जल्दी ख़राब नहीं होगा। और आगे चल के हम लोग काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे, सो चलो चलते हैं देखते हैं। और गैस धूल तो इतना उड़ता है कि कुछ पूछो ही मत, तो प्लीज़ एक लाइक तो करके जाना आप सब। और यहाँ पे गैस आप लोग देखो दोनों साइड के काफ़ी ज़्यादा शॉप थी, अगर आप यहाँ के लोकल होगे तो आपको आइडिया होगा, यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप थी जो कि अभी फ़िलहाल के टाइम में बंद पड़ी हैं,
जहाँ पे इनको जगह मिला वहाँ पे ये लोग अगले जगह पे ले लिए, बट इस लेन पे जो जितनी भी शॉप थी वो सारी की सारी टूट गई हैं और इन लोगों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। बट गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें पैसे भी दिए गए हैं जिनकी ये शॉप थी, मतलब जो उनका ओनर था जिसकी वो प्लॉट थी उनको पैसे भी मिले हैं। और ये इस साइड का आप लोग देख रहे होंगे ये लेन कंप्लीट है और अदर साइड का भी नहीं कंप्लीट है क्योंकि उसका सरफेस अभी ये लोग बना रहे हैं, क्योंकि उधर से आगे से रास्ता भी है तो उसके वजह से आई थिंक नहीं बनाए होंगे। और यहाँ पे आप लोग देखो ये मुझे लगती है ये लेन अभी जल्दी बनाई गई है क्योंकि इस पे जो बोरियाँ हैं जो गीली करके रखी जाती है वो अभी हटाई भी नहीं गई है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी जल्दी बनाया गया है। एंड गैस आगे चल के हम लोग देखेंगे आगे काफ़ी सारे न्यू ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था मेरी नानी का विलेज बिगेस्ट फार्मिंग प्लेस मैंने बताया था आप लोगों को, तो वो काफ़ी बड़ा है, बीच में ये ब्रिज पड़ता है तो उसके वजह से बीच में ब्रिज पुरानी थी तो उसको न्यू ब्रिज भी बनाया जा रहा है और आगे चल के हम लोग वो पूरा कवर करेंगे। सो चलो चलते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा दोनों साइड की लेन कंप्लीट है, बस बीच में प्लांटिंग बाकी है। अगर इसे गोरखपुर की तरह प्लांटिंग की जाती है, गोरखपुर सिटी की जो प्लांटिंग की जा रही है हाईवे की, अगर वैसे की जाती है तो बाय गॉड पूरा का पूरा बवाल लगेगा ये हाईवे। इन फ्यूचर अगर जो बनारस राइडिंग करके जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि वो टाइम से पहुंच जाएंगे, सब कुछ टाइम पे होगा। और जो डेली ट्रैवल करते हैं उनको तो बहुत कम दिक्कत होने वाली है क्योंकि एंड हाँ गैस तो गोरखपुर में कौन से जगह की वीडियो चाहिए, कौन से जगह को मैं एक्सप्लोर करूँ, कमेंट सेक्शन आपका है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे सजेस्ट करना मैं कौन से प्लेस को एक्सप्लोर करूँ, कहाँ की वीडियो बनाऊँ। और ये गैस आप देख रहे हो यहाँ पर भी पूरी बालू बालू हुई है, मिट्टी मिट्टी, क्योंकि इसको भी कंप्लीट कर दिया गया है। अब इस पे एक कच्ची लेयर बनाई जाएगी और उसके ऊपर से लेन को बना दिया जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहाँ पे नहीं। सो चलो चलते हैं देखते हैं। और गैस वहाँ जाने से पहले अभी हम लोगों के साथ एक इंसिडेंट होगा और हम लोगों को लगेगा कि हम लोग एक न्यू दुनिया में जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी कुछ नहीं दिखेगा और मुझे भी कुछ नहीं दिखेगा। लो मैं इसी की बात कर रहा था, इतना धूल कि कुछ दिखेगा ही नहीं। देखो मुझे भी नहीं दिख रहा था, आपको भी शायद ही दिख रहा हो, अब दिखा होगा, क्या करोगे, अभी दिक्कत हो रही है, इन फ्यूचर दिक्कत नहीं होगी, जो हो रहा है सबकी भलाई के लिए हो रहा है। सो चलो चलते हैं, वीडियो को एंजॉय करते हैं। हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोगों को वहाँ से रिटर्न भी आना है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंजॉय करना और हम लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि लोग ये देख रहे होंगे काफ़ी तगड़ी व्यू आ रही है, बाय गॉड। और यहाँ पे भी दोनों साइड का जो प्लेस आप देख रहे हो ये बीच में ब्रिज है, बाकी दोनों साइड का फार्मिंग प्लेस ही है। पानी की वजह से जहाँ पे पानी आ जाती है वहाँ पे ये धान की खेती नहीं की जाती है। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गड्ढे थे, जहाँ पे ब्रिज बनाई जा रही है उसके नीचे काफ़ी गड्ढा है, तो मिट्टी डाल डाल के उस सरफेस को बराबर किया जा रहा है और उसी पे ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे बनाया जा रहा है और उसको ले जाके ब्रिज में फिट कर दिया जा रहा है। तो यही वो प्लेस है, आप लोगों को दिख रहा होगा, हमारी जर्नी यहीं तक थी। आई होप यू गैस लाइक दिस वीडियो, डेट मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और हाँ गैस अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ अपने छोटे भाई को सपोर्ट करके जाना और एक लाइक का बटन दबा के जाना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ गैस कमेंट करके ज़रूर बताना आपको गोरखपुर में कौन से प्लेस का ब्लॉग चाहिए, मैं श्योर आप लोगों के लिए वो ब्लॉग ड्रॉप करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड सम लव। They can stop me, I'm all the way up.